कोविड-19 संक्रमण ने जिला ऊना में भी फिर से एकाएक रफ्तार पकड़ ली है। लंबे अरसे तक खामोश रहा कोरोना का ये संक्रमण एक बार फिर दहाई के आंकड़े तक जा पहुंचा है। जिला में इस वक्त एक तरफ जहां एक्टिव केस की संख्या 40 तक जा पहुंची है, वहीं पिछले 4 दिनों में 22 लोगों के संक्रमित पाए जाने की पुष्टि भी हुई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा लोगों को सचेत करते हुए संक्रमण से बचने के लिए गाइडलाइंस का पालन करने की भी अपील की गई है। इतना ही नहीं, सर्दी खांसी जुखाम जैसे लक्षण सामने आने पर लोगों से कोविड-19 की जांच के लिए सैंपल करवाने का भी आह्वान किया गया है। प्राथमिक तौर पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा लोगों को फेस मास्क अनिवार्य रूप से पहनने की भी हिदायत दी जा रही है। वही बात चंबा जिला की करें तो गरोला में कोरोना संक्रमित महिला ने आज दम तोड़ दिया है। हमारे पीछे काफ़ी दिन ऐसे भी थे जब एक भी केस नहीं आ रहा था, लेकिन धीरे धीरे एक दो आने शुरू हो गए। अब फॉर द लास्ट 2-3 दिनों से कभी 6 केसेस आ रहे हैं, कभी 7 और कभी 8। तो इससे हमने 3 दिन पहले एक एडवाइजरी भी दी थी जिसमें हमने लोगों को कहा था, थोड़ा सतर्क किया था कि अब केसेस दोबारा बढ़ने लगे हैं तो हमें अपने जो पहले प्रिकॉशंस थे, जो कि जब से कोरोना काल चला है तब से प्रिकॉशंस के लिए हम बोल रहे हैं, उन्हीं को हम रीइंफोर्स करते हैं कि भीड़ भाड़ इलाकों पे जब जाते हैं तो थोड़ा अपना मास्क डाल लें एंड अवॉइड करें, भीड़ वाली जगह जाना तो बेटर है, अगर जाना ही पड़े तो मास्क लगाएं। खास करके जब आप जैसे हॉस्पिटल में आते हो तो मास्क डालना ज़रूरी है, बिकॉज आपको नहीं मालूम कि कौन सा व्यक्ति संक्रमित है। एंड दूसरी चीज़ ये है कि हम बार बार लोगों को एक प्रचार करते हैं कि अपना कोविड का वैक्सीनेशन ज़रूर कराएं, लेकिन हमने ये पाया है कि लोग जो वैक्सीनेशन है उसको एक्सेप्ट करने में थोड़े रिलक्टेंट हैं। उनको लगता है कि अब कोविड चला गया है तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, हमें नहीं मालूम है कि ये वायरस किस तरह कैसे बिहेव करेगा, तो कम से कम हम अपने को और अपने फैमिली मेम्बर्स को सुरक्षित रखें। तो जिन्होंने भी अपना सेकेंड डोज कोविड का नहीं लिया है या जिसने प्रिकॉशनरी डोज नहीं लिया है, वो इसको ज़रूर लें और अपने आप को सुरक्षित रखें।